यो व्हाट्स अप गाइस, मैं बलजीत सिंह, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं कहीं पे घूमने। मैं हूँ अभी मेट्रो स्टेशन में, ये है अबूबकर मेट्रो स्टेशन। अभी इधर से जाना है अल गुबेवा, नाम कैसा है, अल गुबेवा मेट्रो स्टेशन जाना है। उधर एक यहाँ का फेमस मॉल है, विजिट करते हैं, सुना है उसके बारे, आज देखते हैं क्या ऐसा खास है। एक्चुअली स्टार्टिंग में उधर मैंने देखा काफ़ी, मतलब इतना अच्छी तरह उसको डेकोरेट किया होता ना, मतलब मैंने सुना है, गया नहीं हूँ कभी। अब जाते हैं। ये देखो यहाँ का दुबई का मेट्रो स्टेशन, ये मेट्रो आ चुकी है, अब अंदर जाते हैं जल्दी से जल्दी। एक तो यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस मेट्रो में ये है, जैसे अपने इंडिया में जो स्पीच देते थे, ये स्टेशन आ गया, ये आ गया, इधर मुझे पता नहीं लगता क्या कहते हैं, ये स्टेशन कौन सा आ गया, लैंग्वेज ही कुछ और है, उनकी अरब लैंग्वेज है। तो गाइस अब पहुंच चुके हैं अल गुबेवा मेट्रो स्टेशन, तो अब जल्दी से जल्दी चलते हैं। सबसे पहले आप ये स्टेयर्स देखो, कहाँ से कहाँ तक यार, ये वैष्णो देवी वाली फीलिंग आ रही है। स्टेयर्स चेक करो, स्टेयर्स देखो सबसे पहले, ये देखो भाई, ये एक्सीलेटर भी देखो, ये किधर को लगा हुआ, इधर को लगा होता साली मेहनत ना होती यार। अब चलो भागो। तो गाइस हम सिटी सेंटर मॉल पहुंच चुके हैं, जो है अल गुबेवा में। अब चलते हैं अंदर। ये है भाई, इधर सारे क्लोथ्स ही क्लोथ्स, हर तरह के क्लोथ्स मिलेंगे, सस्ते से सस्ते, महंगे से महंगे। एक बार शूज़ देखो, शक्ल तो है नहीं शूज़ की कोई, मतलब अच्छे तरह दिख नहीं रहे, बस ये है कॉस्टली नहीं है ज़्यादा ये एज़ कम्पेयर टू अदर शॉप्स। बाकी सारी शॉप्स पे काफ़ी महंगे, इनका प्राइस क्या है भाई, प्राइस नहीं है यहाँ पर, प्राइस नहीं लिखा इस पे किसी पे भी। बस जिसको भी शूज़ अच्छे लग रहे हैं अल गुबेवा मेट्रो स्टेशन आ जाना, सिटी सेंटर मॉल में मेट्रो स्टेशन के पास ही है। शूज तो यहाँ पर अच्छे हैं, शूज लवर्स देख लो इसको, इधर से ले लेना, मैंने बता दिया आपको कौन सा मॉल और कहाँ पर है, जो भी चाहिए सबकी कॉपी या अवेलेबल है। फीला 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 फीला, सारे फीला ही हैं भाई, डिस्प्यूटर फीला ही है भाई यहाँ पर, तो दिखाता हूँ आपको कहीं और। गर्ल्स के भी यहाँ पर फीला 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 ही भरा हुआ है और कुछ है ही नहीं। जिसको भाई शूज़ नहीं चाहिए, डेनिम भी अवेलेबल है, वो भी देख लेना अफोर्डेबल प्राइजेज में। एक बार इसका प्राइस देखो, जीन्स का 30 dirhams ओनली, यहाँ से ले सकते हो जीन्स, सब कुछ मिल जाएगा ऊपर से नीचे तक, टेंशन ना लेना इधर आओ तो। बाय वन गेट वन फ्री की सेल ऑफर चल रही है यहाँ पर, जो लेना हो ले लो। कितने बेकार कपड़े हैं यार, बेकार हैं, बिके नहीं होंगे तभी इन्होंने बाय वन गेट वन फ्री कर दिया। देखो एक बार देख, बाय टू गेट वन फ्री है इसमें, ये क्या कैप्री शॉर्ट्स हैं, एंड दीज आर द नॉट लुकिंग मच बेटर। सब पे भाई एक ही लोगो बना हुआ है, ये शेर का, सब पे यही लगा हुआ है, पता नहीं भाई कौन सी ब्रांड है, शेर का लोगो समझ लेना आप, जिसको पता होगा कमेंट में बताना भाई कौन सा लोगो है, मुझे तो पता नहीं। चलो भाई आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग। तो गाइस मैं मॉल से एग्जिट कर चुका हूँ अंदर। एक्चुअली वन प्रॉब्लम हो गई थी, प्रॉब्लम क्या हुई थी, मैं कर रहा था शूट वीडियो, तो एक्चुअली सिक्योरिटी वाला गार्ड आ गया, तो वो कहता वीडियो डिलीट करो, वीडियो डिलीट कह रहा नॉट अलाउड, आपने परमिशन लिया ये वो, तो फिर मेरे को मैंने उसके सामने मुझे वीडियो डिलीट करनी पड़ी। लेकिन हमारी तरह चलाक तो नहीं था, वीडियो डिलीट करी तो क्या हुआ, रिसेंटली डिलीटेड नाम का एक ऐप है, उसमें से मैं सारी वीडियो वापस आ जाएंगी, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। लेकिन मुझे नहीं पता इतने स्ट्रिक्ट रूल किस लिए, यहाँ पर मैं कौन सा कुछ गलत कर रहा हूँ, एक वीडियो तो शूट कर रहा हूँ, इसके लिए क्या परमिशन लेने के, पिक्चर की शूटिंग चल रही है इधर, क्या सलमान खान शाहरुख खान की, चलो कोई इशू नहीं। अब हम वहाँ से निकल गए, अब यहाँ से जल्दी निकलते हैं, मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं, अब इधर से देखते कहाँ जाना है घूमने। भाई न्यूली आए हैं इधर दुबई में, कह रहे हैं थोड़ा घूमना है, तो मैंने बोला चलो चलते हैं, हम भी फ्री थे अभी, तो लेट्स गो। किधर जाना है? बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा आपको तो मैंने ब्लॉग्स में दिखा दिया, लेकिन ये ब्रो फर्स्ट टाइम देखेंगे, ब्रदर इनका नाम मेहुल है, ये फर्स्ट टाइम देखेंगे, तो दिखाते हैं अब इनको। हमने तो देख लिया, दो तीन बार हम विजिट कर चुके हैं उधर, तो यार वो कॉमन हो गया,
फाउंटेन शो देखना है, घिस डाला है ना बुर्ज खलीफा आपने? हाँ आपने घिस डाला? हाँ हमने घिस डाला, इनको इनका भी घिसाना है बहुत जल्दी। आपको भी घिसना है अभी जाके। ओके चलो ठीक है, चलते चलते फिर। पीछे देखो कैसे भीड़ मची है सब्जी मंडी। 2000 years later. एक चीज बहुत बुरी लगती है मेरे को भाई इधर की, एक तो चलना बहुत पड़ता है यार, पैर थक जाते हैं। सीधा सीधा रास्ता, सीधा सीधा 3-4 किलोमीटर स्ट्रेट स्ट्रेट वाला एक्सीलेटर है, वो बने हैं फ्लैट वाले जो उनसे होते हैं ऑटोमेटिकली मूव होते हैं, वो बोले एक्सीलेटर है। आपको दिखाता हूँ मैं। एक तो भाई मास्क अपना जब भी इधर आओ दुबई में स्पेशली, कई कई एरियाज में धीरे धीरे करके मास्क हटा रहे हैं, लेकिन अभी भी पब्लिक एरिया में मास्क पहनना जरूरी है। इधर मास्क पहनना क्योंकि इधर 3000 ड्रम्स का चलान है, फाइन है यहाँ पर 3000 ड्रम्स का। तो अपने आप भी अपनी जो भी इंडिया से है तो अपने आप भी कैलकुलेट कर लेना कितना लगता है अपने इंडिया में। तो भाई 2000 मांगते हैं, नेगोशिएट कर देते हैं वो भी उसके अंदर भी, इधर भी इतना लगता है। जो बंदा हमारे जैसा है भाई उसको प्रॉब्लम आएगी भरने में, बाकी जो भाई जिसको भी है कर ले जैसे मर्जी करके। अब देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसकी बात कर रहा था, ये वाला एक्सीलेटर है। सीधा सीधा चलते रहो स्लो मोशन में, डूब जाओ तेरी आंखों के ओशन में स्लो मोशन में। ये चीज़ हमारी इंडिया में नहीं है, इधर जो अलग से स्टेशन बना हुआ है दुबई मॉल बुर्ज खलीफा अलग स्टेशन है। स्टेशन से जैसे ही वो एग्जिट करते हैं ना मेट्रो से, तो ऑटोमेटिकली ये सीधा हमें मॉल के अंदर एंटर कर देता है। ये चीज़ बहुत बेटर है, हमें कहीं और जाना ही करता है, टैक्सी टुक्सी इधर टैक्सी बहुत कॉस्टली है इधर। इधर भाई जो बंदे ऐश कर रहे हैं ना जॉब की, वो टैक्सी वाले हैं और डिलीवरी बॉय, इनकी सैलरी इतनी होती है इंडिया के हिसाब से मिनिमम स्टार्टिंग में जो बंदा कमा सकता है वो 1.5 लाख वो कमा सकता है, 1.5 लाख स्टार्टिंग में अगर वो अच्छी तरह मेहनत कर लेगा तो। इधर यही है, और कैब के लिए बस ये एक प्रॉब्लम है, इधर लाइसेंस बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जो भाई कर सकता है क्योंकि इधर के रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। इधर काफ़ी लेफ्ट देखो राइट देखो इधर देखो उधर देखो फेल कर देते हैं, क्लासेस भी बहुत कॉस्टली रहती है इसकी। तो अब आ गए हम भी देखो लाइसेंस कब बनवाते हैं, बनवाना तो है ही है कभी ना कभी। देखो अब जिगर दा दिल खा दे तनु बुर्ज खलीफा, जिगर दा दिला दूं तनु बुर्ज खलीफा। मैं एक जगह रुक जाता हूँ फिर आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आएगा, देखना क्लियरली। यहाँ पर ग्लास में से बहुत मुश्किल दिख रहा है, लाइटिंग एक तो देखो इतना अच्छा डेकोरेट कर रखा है, दिल ले लिया यार इधर की डेकोरेशन ने। यहाँ से दिखाता हूँ वो अपना इमार, अपना नहीं इनका दुबई वालों का, जो इधर के प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मखदूम जी। दुबई मॉल स्टार्ट हो गया, ड्रम बेल्स। ये जगह तो पुरानी हो चुकी है हमारे लिए भाई, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो बना रहे हैं, इनको अच्छी लगी इनको दिखानी थी ये जगह, मैं तभी इधर लाया हूँ नीचे तो इससे ही बड़ा क्वेरी है जगह। एक काम करो गाइस आप, ये अब ऑटोमेटिकली अब दूसरी वीडियो इधर से आपको स्टार्ट हो जाएगी। एक्चुअली मैं मॉर्निंग में जहाँ पर गया था ना, बहुत अच्छी जगह है कार्स लवर के लिए, बहुत मतलब अच्छी चीज़ मैंने शूट करी है कार्स लवर के लिए, आप फुली मॉडिफाइड कार्स इंजॉय इट। Guys, see the cars. They are so amazing. अब कार देखो एक बार, बहुत सारी कार्स है ऐसी, लिमोजिन ये वाइट एंड ये ब्लैक, सी कितनी ह्यूज है ये सारी कितनी ह्यूज है। और सबसे बेस्ट मुझे ये कलर लग रहा है पिंक, और ये सबसे लंबी लिमोजिन है यहाँ पर, देखो मैं चलता जाऊंगा ख़त्म नहीं होगी। हमारी इंडिया में नहीं होती ऐसी कार यार, सीरियसली सी सो ह्यूज एंड सी दिस रेड मॉन्स्टर, एक से एक बढ़ के कार खड़ी है यहाँ पर, आपको सारी कार दिख जाएगी इधर दुबई में। ये कॉमन है आई थिंक, ये मॉडिफाइड है, मुझे नहीं लगता ये कार मिलती है, मॉडिफाई फुली मॉडिफाइड कर रखी है सारी कार्स। सी यहाँ पर
ब्लैक ब्लैक ब्यूटी अपनी, ये डॉज, डॉज को भी मॉडिफाई कर रखा है, माय गॉड। सीट्स, ये भाई ये क्या चीज है, सीरियसली देखो, दिस कलर इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल यार। यहाँ से तो बहुत अच्छी लग रही है, इसको फ्रंट से देखते हैं एक बार। अब यहाँ से इसकी लेंथ चेक करो कितनी है लेंथ, ये देखो मेरी स्क्रीन में फिट नहीं आ रही, ये कार इतनी ह्यूज है। फ्रॉम फ्रंट आई एम शोइंग यू, सी ऑल द कार्स, ये सारी कार लाइन में खड़ी, और ये एक सिंगल पर्सन की कार्स हैं ये सारी। भाई थोड़े पैसे हमें भी दे दो। ये फरारी का ओल्ड मॉडल का और लग रहा है मुझे, फ्रॉम फ्रंट ये ओल्ड मॉडल लग रही मुझे फरारी की, ये भी पूरी मॉडिफाई कर रखी है देखो। यहाँ से देखो पूरी फुल लेंथ। तो गाइस कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसे लगी कार्स की। गाइस सीरियसली मैं 3-4 बार आ चुका हूँ, लेकिन आज से ज़्यादा ब्यूटीफुल कभी नहीं लगा। खुद देखो लाइटिंग आप, सीधा बुर्ज खलीफा। गाइस सी द फाउंटेन शो फ्रॉम द फ्रंट। في دار تختصر عالم وقالب وصفها العالم دبي كوكب آخر دبي كوكب آخر على كل جدا والضاي في حضرة حسنها الساحر لكم يا ضيوف في دار الحي سلام يشرح الخاطر على तब हम कर रहे हैं यहाँ से एग्ज़िट, अब इधर से जा रहे हैं सीधा मेट्रो स्टेशन। बहुत ज़्यादा पेन हो रही है लेग्स में, बता नहीं सकता मैं, अब घर जाते ही मैं लेट जाऊँगा। लेटने से पहले काम करना, कुछ खाना है, पेट पूजा करनी है, थोड़ी बहुत भूख बहुत ज़्यादा लग रही है सीरियसली। एक तो यार मास्क ने दुखी करके रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ तो कुछ खाने को नहीं मिल रहा, कुछ भी अवेलेबल नहीं है अभी फ़िलहाल, ये समोसे से काम चलाना पड़ रहा है। चलो अब ये खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम आई डी मैंशन, इधर जाके मुझे फॉलो कर ले, इससे आपको मेरे चैनल की सारी लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो इस वीडियो को। गाइज आपको हर बार ऐसे इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग व्लॉग देते रहेंगे, तो आप स्टे ट्यून रहना इसके लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइज अब पहुंच चुके हैं अल हुबैबा मेट्रो स्टेशन।